का रात्रि क्लास है, ये बंद करो, ये बंद करो। बीस जून 1964, जो आए बाप के पास, मात पिता के पास, वो अपना अनुभव सुनाए हम कैसे कांटे से फूल बन रहे हैं, अथवा कैसे शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण बनेंगे। ये रस्म रिवाज पहले भी ऐसे ही थी, और कोई जन्म में ऐसी बातें नहीं होती है। उन सत्संगों में तो सत्संग किया, रामायण सुनाया, भागवत सुनाया, गीता सुनाई, फलाना फलाना शास्त्र सुनाया। जब गीता सुनाते हैं तो बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े सन्यासी वगैरह रहते हैं। बॉम्बे में एक चिन्मय आनंद है, कौन है, चित्त मया आनंद, जिसका चित्त आनंदमय हो चुका है। एक हद का और एक बेहद का, और वो हर वर्ष आते ही आते हैं, और वहां बड़े बड़े आदमी जाते हैं। चिन्मयानंद हद का तो बड़े बड़े आदमी भी कहां के होंगे, है हद की दुनिया के। और अगर चिन्मयानंद बेहद का है तो बड़े बड़े आदमी भी कहां के होंगे, हैं, बेहद की दुनिया के। खास करके 21 जन्मों के, फिर 84 जन्मों के भी बड़े बड़े। उन बड़ों बड़ों का हिस्ट्री में नाम तो आता है, बच्चे जानते हैं, इन दुनियावी विद्वानों की बुद्धि में तो साफ ठीकरियां भरी हुई हैं। उनका तो जीवन का कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और तुम्हारा तो जीवन का ऊंचे से ऊंचा एम ऑब्जेक्ट है। क्या बनेंगे, नरसे नारायण अथवा नारायण जैसे बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे या लक्ष्मी जैसे बनेंगे। तो देखो, उनका कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सुनने वाले बस वाह वाह करते रहते हैं। समझ कुछ भी है नहीं। यहां देखो, जो भी मिले उनको कैसे बताना चाहिए, भाई यहां कांटे से फूल बनाया जाता है,
और पतित से पावन बनाया जाता है। नर मनुष्य होता है ना, कलयुग में, खासकर कलयुग के अंत में मनुष्य कांटे होते हैं, या फूल की तरह हल्के फुलके देवी गुणों की सुधंग दवाले होते हैं, पतित ही होते हैं, दुखदायी कांटे ही होते हैं। उन पतित कांटे जैसे दुखदायी मनुष्यों को यहां पावन बनाया जाता है, और वो अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा भी ले रहे हैं। तो कैसे हमको परिचय मिला, क्योंकि जरूर बच्चों को बाप से परिचय मिलता है। फिर बच्चे ही बाप का शो करते हैं, ऐसे नहीं है कि बच्चे हों और बाप न हो, नहीं तो फिर परिचय क्या देंगे, किसका परिचय देंगे। गीत बजा प्यारा कौन बनेगा, हम बच्चे ही प्यारे बनेंगे। बाबा का संदेश सुनाने के लिए घर घर में घुस जाएंगे, परंतु दुनिया वाले तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। कैसा है, घर घर में घुस जाएंगे, 500 करोड़ मनुष्य हैं, तो घर कितने होंगे। एक एक घर में 4-6 होंगे ना, तो 100 करोड़ को संदेश देंगे घरों में घुस करके, दे सकेंगे। हैं? अरे चुप। हम ही दे सकेंगे, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, घर घर में संदेश हमारा ही पहुंचेगा, और हम ये काम करके दिखाएंगे। हम कौन, हम है इस्लामी, बौद्धी, चंद्रवंशी आदि नहीं, वो तो अभी भी माथा मार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, परंतु क्या दुनिया के घर घर में संदेश पहुंचा। अच्छा, इंडिया के घर घर में संदेश पहुंच गया, नहीं पहुंचा, परंतु हम करके दिखाएंगे। इसके लिए बच्चों को बाप की पहचान जरूर देनी चाहिए। वेद के बाप की समझानी देंगे तो जिनकी बुद्धि में ये बैठेगा, वेद का बाप आया हुआ है बेहद सुख शांति का वर्षा देने के लिए, तो वो स्वतः ही घरों घरों में जाकर के संदेश हमारा पहुंचाएंगे।
और उस संदेश देने के निमित्त हम भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमारा हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे औरों को समझानी दी जाती है ना, वैसे इन बच्चों को भी समझानी दो। इन माने कौन से है? इन इसे, ये है। किसको कहा जाता है? सन्मुख वाले को कहा जाता है या बाजू वाले को कहा जाता है? तो बाजू वाला कौन हुए? सिर्फ ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो अपन को बी के कहलाते हैं, इन बच्चों को भी समझानी देना है। इन बच्चों को तुम ही समझानी देते हो ना, ये इतने बैठे हैं, कहां से आए है? इन बच्चों में से ही आए ना, तो समझानी किसने दी है? तुम बच्चों ने ही समझानी दी है सबको। देखो, ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा में आत्मा है, और ये आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसको कहा जाता है कि शरीर मर जाता है, फिर आत्मा जाकर के दूसरे शरीर में बैठती है। तो इस आत्मा का बाप है कौन? परमपिता परमात्मा। और अभी तो वो परमात्मा आया हुआ है, है? वो परमात्मा आया हुआ है। क्या मिसाल दिया? दुनिया में आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो शरीर मर जाता है, और आत्मा है बाप के घर में जाके जन्म लेती है, नए बाप के घर में जाके जन्म लेती है ना। तो तुम्हारा भी बेहद का बाप आया हुआ है, फिर क्या करना है? पुरानी दुनिया और पुरानी देह, पुरानों संबंधों से मर जाना है। अगर नहीं बने हैं क्या मरे हुए, अगर देहभान से, पुराने देहभान से, पुराने देह के संबंधियों से नहीं मरे हैं, इससे क्या साबित होता है? बाप के बच्चे बने या नहीं बने गर्भ में? अभी ज्ञान गर्भ में नहीं पहुंचे, जो मनन चिंतन मंथन अंदर ही अंदर चलता रहे। फिर क्या बीच में भूत प्रेत बने हैं? है? अरे भूत प्रेत किनको कहा जाता है? है? बाबा ने भूत किनको बताया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूत है ना। तो अपने दिल से पूछना है कि हम पुराने जन्म से, पुराने जन्म के देह के संबंधियों से हमारा ममत्व टूट गया है
કે ચાલુ હે મના બુદ્ધિ મે નહીં બેઠા હમારા પરમાત્મા બાપ આયા હે નહીં જન્મ કા હે વો ભી બેઠા હે ઓર ભૂલે ભી નહીં હે ઓર નયે નયે ભી બનાતે જાતે યે ભી હે વો કહેતે હે મુજે યાદ કરો કૌન પરમપિતા પરમાત્મા કહેતે હે મુજે યાદ કરો ક્યો કહેતે મુજે યાદ કરો હે અરે યાદ કરેંગે તો પુરાને સંબંધી ભૂલ જાયેંગે કે યાદ રહેંગે ધીરે ધીરે ભૂલ જાયેંગે જૈસે બચ્ચા માં કી ગોદ મે ખેલતા હે તો માં કો યાદ કરતા હે ઘડી ઘડી યાદ કરતા હે થોડા બડા હોતા હે કિશોરાવસ્થા મે આતા હે મિત્ર સંબંધીઓ સે મિલતા જુલતા ખેલતા હે તો ધીરે ધીરે માં ભૂલને લગતી હે કોણ યાદ આતા હે મિત્ર સંબંધી યાદ આને લગતે હે એસે હોતા હે ના હે જબ નયા સંબંધ જોડતે હે ઓર નયે સંબંધ કી પ્રાપ્તિ કા પતા ચલતા હે કે બેહદ કા બાપ હે બેહદ કી પ્રાપ્તિ કરાતા હે તો પુરાને સંબંધીઓ કી યાદ ટૂટતી હે યા નહીં ટૂટતી હે હે ટૂટની ચાહીએ યા નહીં ટૂટની ચાહીએ ટૂટની ચાહીએ તો બાપ કહેતે હે મેં તુમકો બૈકુંઠ મે લે ચલુંગા કબ કબ લે ચલુંગા હે અરે ક્યાં ઇશારા દિયા જબ પૂર્વ જન્મ કે લૌકિક સંબંધીઓ કો યાદ કરના ભૂલ જાયેંગે ઓર એક બાપ દૂસરા નો કોઈ એસી સ્ટેજ બન જાવેગી બચ્ચે યે ભી ઉન બચ્ચો કો બચ્ચો ને સિખલાયા તો ભી યે પાર હો જાયેંગે ક્યા કહા હે ये बात भी सिखलानी है उन बच्चों को तुमको नहीं इनको नहीं किनको उन बच्चों को जो और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो गए हैं उन बच्चों को तुम बच्चों ने सिखलाया तो भी ये पार हो जाएंगे કૈસે પ્યાર હો જાયેંગે યાદ સે પાર હો જાયેંગે ઇસ પુરાની દુનિયા પુરાની દુનિયા કે દેહ કે સંબંધો સે પાર હો જાયેંગે ક્યોંકિ ઇસ અવિનાશી જ્ઞાન કા વિનાશ નહીં હોને કા હૈ તો ઇનકા ભી હક હૈ उन बच्चों का भी हक है इनका भी हक है बाकी अच्छा मजबूती सिखलाते जाना सिखलाते जाना सिखलाते जाना શિવ બાબા કો યાદ કરો શિવ બાબા કો યાદ કરો તુમ આત્મા હો તુમારા બાપ હે ઓર તુમ વેદ કે બાપ કે ઘર મે આયે હો યે તુમ હી પાર્ટ બજાતી હો
किसको बोलना है? हैं? किनको बोलना है? तुम बाप के घर में आई हो, किसको बोलना है? अरे सन्मुख वाले बच्चों को बोलना है या उन चंद्रवंशियों को बोलना है? इनको आने वाले हैं या नहीं? अपने ही चंद्रवंश में रहेंगे या तुम्हारे घर सूर्यवंश बेहद के परिवार में आवेंगे? आवेंगे ना? तो बोला तुम बाप के घर में आई हो और तुम ये पार्ट बजाती हो। ये पार्ट माना है? अरे चंद्रवंशियों का पार्ट अपना, इस्लामी बौद्धियों का पार्ट अपना और सूर्यवंशियों का पार्ट अपना, जो तुम पार्ट बजाती हो। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तुमको सीखना भी है, नहीं तो कोई जिज्ञासु आता है उसके दिल को जो बात पसंद नहीं होती है, ज्ञान के अहंकार में आकर के तुम वो बातें भी उनको सुना देते हो, तो उनका मुख मीठा होता है या कड़वा हो जाता है? तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें तुमको बहुत सीखनी है। क्या? कैसी कैसी मीठी बातें? कि तुमको भी सूर्यवंश में आना है। ये सूर्यवंशी ही रूहानी मिलिट्री है। किस मिलिट्री का मार्शल है? हाँ, बाबा ने कहा है, शंकर है, मार्शल ला लगने वाला है। मार्शल ला लगता है ना, तब क्या होता है? जो मिलिट्री वाले होते हैं, जो कानून पर नहीं चलते हैं, तो उनको धार से क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। तुम भी यहां आई हो सूर्यवंश में, ऐसी मीठी मीठी बातें तुमको सीखनी है, नहीं तो क्या करते हो? हैं? ऐसी ऐसी मार आते ही मारने लग पड़ते हो, बेचारे भाग जाते हैं। कोई भाई ने कहा, बाबा वैसे भी ये धारणा करती है जो बाहर का कुछ भी खाती पीती नहीं है। अरे ये तो वंडरफुल नॉलेज इनको मिलती है, और फिर ये नॉलेज बैठ करके समझें, सुनें। जैसे ये इन चित्रों पर भी समझाते हैं ना, क्या लाए हैं? कोई नई चीज लाए हैं ना, तो हम देखें। कोई बच्ची ने कहा, ये आपस में खाएंगे, बैठ करके पिकनिक करेंगे, ये फैमिली है। हाँ, ये फैमिली है, जिसको कुटुंब भी कहा जाता है, जिसको कुल कहा जाता है, और ये है तुम्हारा ऊंचे से ऊंच कुल। कहते हैं ना, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो भगवंत अकेला होगा क्या? है कि परिवार के साथ होगा? फिर ला भी ऐसे कहता है कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत यही बाप है।
तो जरूर उनके बच्चे भी इतने ऊंचे से ऊंचे होना चाहिए। कितने ऊंचे से ऊंचे हैं बच्चे? ऊंचे से ऊंचे का मतलब क्या हुआ? अरे अरे चंद्रवंशियों की फैमिली, इस्लाम वंशियों की फैमिली, बौद्ध आदिवंशियों की फैमिली, उन सबसे ऊंची धारणा वाले होने चाहिए। ये समझ की बात है ना कि जैसे कुल में जन्म लिया होगा वो कुल का खून काम करेगा या नहीं करेगा? यहाँ स्थूल खून की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का संकल्पों का खून है। तो जो बाप के संकल्प है वो ही बच्चों के संकल्प होने चाहिए। तो बोले हाँ बरोबर बाप है। स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाबा के बच्चे भी स्वर्ग में बहुत ऊंचे से ऊंचे होंगे। और नंबरवार ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले होंगे, क्योंकि ये सब है विचार सागर मंथन करने की बातें। कौन सी ये सब बातें? कौन सी सब बातें विचार सागर मंथन की हैं? किस तरफ इशारा किया है? अरे जो ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले हैं, वो पद पाने वाले विचार सागर मंथन करके अपने पद को अपने आप डिक्लेयर करेंगे कि बाबा डिक्लेयर करेंगे? तो मंथन तो करना पड़ेगा ना कि ऐसे ही ऊंचे से ऊंचे पद वाले हो जाएंगे। बरोबर बाप स्वर्ग का रचयिता है और जरूर बच्चे ऊंचे से ऊंचे होंगे। और पहले भी कलप पहले ऊंचे से ऊंचे थे, देखो ये चित्र हैं उनके। कौन से चित्र हैं? कलप पहले जिन बच्चों ने ऊंचे पद पाए थे उनके ही ये चित्र हैं। उनकी राजधानी थी, जरूर ये राजधानी ऊंचे थे ऊंची। और अभी कलयुग में फिर नीच थे नीच बन गए। अभी ये कौन आया? उन नीचे थे नीचे बच्चों के बीच में ये कब आया? द्वापर में आया। ये बात कैसे बताई? कोई नहीं जानते हैं। ये बाबा बाबा तो कहते हैं, परंतु पता तो इन विचारों को भी नहीं है कि कौन आया कब आया और ये बात कैसे कैसे बताई। बात तो बड़ी सहज है, फिर देखो कोई नहीं समझते हैं। तो ऐसे कहा जाए कि माया ने कोई बड़ा ताला डाल दिया है, बिल्कुल बड़ा ताला। ऐसा ताला डाल दिया है
जो कुछ काम के नहीं रहे हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है कि न कि है? अरे कब की मुरली है, हैं? 64 की मुरली है, उस समय कौन थे और सामने बैठने वाले कौन थे? अगर फॉलोअर्स की पत्थर बुद्धि बन गई है तो वो किसको फॉलो करते होंगे, हैं? मुखिया को फॉलो करते होंगे ना? तो क्या पत्थर बुद्धि बन गई थी उनकी, हैं? उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना। नाम भी गाया जाता है, क्या गाया जाता है? अरे शास्त्रों में नाम गाया जाता है। अरे किसका नाम गाया जाता है? अरे अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई, फिर पत्थर से पारस बुद्धि भी बन जाते हैं। तो बच्चों को अर्थात उन अहिल्याओं को बुझाओं, ज्ञान तो है ना, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस इनसे बड़ा पोजीशन दुनिया में कोई का नहीं है। और तुम्हारे जैसा भविष्य की जन्मों में साहूकार भी कोई नहीं बन सकता सारे कल्प में। भले इस समय में किसके पास कितना भी धन हो, परंतु तुम्हारे आगे सब भरतनाट्य पहनी, तो बच्चों को हमेशा खुशी में रहना चाहिए। परंतु ये खुशी है ही छुआ मुआ की भांति। छुआ मुआ क्या होता है? एक घास होती है छुई मुई, उसको दूर से भी उंगली दिखाओ तो मुरझा जाती है। माया भी मुरझा देती है। देही अभिमानी बनो तो खुशी, और उसी समय देह अभिमानी बनो तो कुछ न कुछ माया का परछावा आ जाता है। समझा ना? और ये सेकंड की बात होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति और एक सेकंड में जीवन बंद। शूटिंग कहाँ होती है, है? अभी अभी मौजों का युग मनाए रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अभी अभी माया सामने आई और जीवन बंध में आ जाते हैं, रोने का युग शुरू हो जाता है। तो बाप बताते हैं, तुम बाप को याद करेंगे तो तुमको नशा चढ़ेगा, और अगर बाप को भूले तो ये देखो वंडरफुल बच्चों ने जाना है। और
कोई भी नहीं जान सकते हैं। अभी बच्चे किसको भी कहेंगे ना, ये दुनिया एक रंगमंच है, ये षष्ठी चक्र एक नाटक है और इस नाटक में सभी एक्टर्स हैं और जरूर ये कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने है, क्षेत्र माने स्थान, खेत, जैसे कहते हैं धर्म क्षेत्र, धर्म करने का स्थान, कर्म करने का स्थान। गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरु माने कर्म। तो वो तो समझते हैं कि द्वापर में कोई धर्म क्षेत्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र था, भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में आया और कौन सा स्थापन युग करके गया, पापी कलयुग स्थापन करके गया। वाह भाई वाह, वाह रे भगवान, तूने काम तो बहुत अच्छा करके दिखाया। तो देखो भगवान की भी ग्लानि करते हैं ना, ग्लानि की या महिमा की, ग्लानि कर दी। समझते नहीं है कि द्वापर के आदि में, सतो प्रधान द्वापर युग में जो पहला गीता ग्रंथ लिखा गया वो सतो प्रधान होगा, भगवान की महिमा बढ़ाने वाला होगा या ग्लानि करने वाला होगा। पहले ही श्लोक में सटा का नटा कर देते हैं। जब कहा गया धर्म क्षेत्र, ये संसार एक रंगमंच है, इसमें अनेक धर्म है। कलयुग के अंत में कौन से युग में अनेक धर्म होते हैं, हरेक धर्म पिताओं की अपनी अपनी धारणाएं, उन धारणाओं को लेकर के जो अपने अपने भक्ति मार्ग में कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों में भी झगड़ा पैदा होता है कि नहीं होता है। मुसलमान क्रिश्चियन कहते हैं हम जमीन में गाड़ेंगे, यही अच्छा है, यही कर्म करना चाहिए, और हिंदू क्या कहेंगे, नहीं नहीं जमीन में नहीं गाड़ सकते, हम तो जलाएंगे। फिर दोनों से पूछा जाए क्यों, कारण बताओ, तो कारण बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। परंतु तुम बच्चे कारण बता सकेंगे कि मुसलमान धर्म की जो आत्माएं हैं या मुसलमान धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो अपने देह अभिमान को कलयुग के अंत में नहीं जला पाते। भगवान के बार बार समझाने पर भी अपने देह भान को नहीं जला पाते, देह भान में रह जाते हैं। देह को मिट्टी कहा जाता है, इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी परंपरा में क्या करते हैं, हैं? मिट्टी में दबा देते हैं। तो कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ, देह अभिमान की मिट्टी में आत्मा को दबाना चाहिए या देह अभिमान की मिट्टी से आत्मा को उबार करके स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो देखो ये सारी दुनिया धर्म क्षेत्र भी है
और कर्म क्षेत्र भी है, अनेक प्रकार के कर्मकांड अलग अलग धर्म पिताओं ने स्थापन किए हैं और सब अपने को श्रेष्ठ कहते हैं और धर्मों के आधार पर एक दूसरे से झगड़ते हैं। इसलिए इस दुनिया को कलह युग कहा जाता है। तो जरूर ये कर्म क्षेत्र है, अभी ऐसे नहीं कहा कि जहां से आत्माएं आती हैं वो कोई कर्म क्षेत्र है, है? सोल वर्ल्ड से आत्माएं आती हैं, मुसलमान कहेंगे अर्श में खुदा रहता है, तो खुदा के बच्चे भी अर्श से आते होंगे। परंतु नहीं, वो बाप का घर है, कर्म क्षेत्र नहीं है। कर्म क्षेत्र कहा ही तब जाता है जबकि कोई पार्ट बजाना होता है। तुम भी सदैव हनुमान जैसे परिपक्व अवस्था में हो जाएंगे। क्या कहा? और जरूर हो जाएंगे। हाँ बच्ची, ले आओ टोली, आओ तुमको टोली खिलाऊं। मुख का भोग याद आ गया, मुरली चलाती चलाती फिर इतने से भी पूर्ति नहीं हुई। अच्छा म्यूजिक बजाओ, कानों का भी भोग चाहिए। और मुरली में क्या बोला है? गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? भक्ति मार्ग है। क्यों? अरे भक्ति मार्ग में बुद्धि भागती रहती है, टिकती नहीं है। जो कारणकारी का विश्लेषण कर सके, कोई कार्य करना है तो क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं, क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। यहां तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान क्या कहता है? है क्या कहता है ज्ञान? ज्ञान कहता है विनाश सामने खड़ा है और तुम ढोल मजीरा मृदंग लेकर के डांस करते फिरो, गीत गाते फिरो, तो लोगों को विश्वास होगा कि विनाश सामने खड़ा है, है? ये ढोल मृदंग करने वाले बजाने वाले, जब विनाश शुरू होगा, मारा मारी चारों ओर खून खराबा होगा, खून की नदियां बहना शुरू होंगी, तब ये ढोल मृदंग बजाएंगे, बजाएंगे। तो ये ज्ञान क्या कहता है? हैं? अगर विनाश सामने खड़ा है तो गीत गाना नहीं है और वास्तव में गीत सुनने में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर अंदर खुशी के बाजे अंदर अंदर बजते हैं तो ठीक है, दिल के गीत बजे, बाहर से दूसरों को दिखाने की बात नहीं है। अच्छा, माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति दिल व जान सिख व प्रेम, फिर कुछ याद आ गया, डर 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 डर, जिन्होंने जो कुछ भी ऐसी बात कह दी है, अभी देखो इसको महावीर कह दिया,
बस बहुत कह दिया कि ये महावीर है। महावीर तो हनुमान को भी कहते हैं, तो जैनी मत भी ऐसे है। कोई जैन आया, उन्होंने आकर के ये सब दिखलाया, क्या माथे के बाल काटे, दाढ़ी के बाल उखाड़े, बाल उखाड़ देते हैं। किस लिए है? नहीं, वैरागी क्या बाल उखाड़ते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हम जैनी हैं। क्या है? जिन की औलाद, जिन के फॉलोअर। जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, उनको स्वर्ग में क्या कहा जाता है? हैं? अरे देवता। जो देवताएं होते हैं उनको दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं। तो कोई जैन आया, उन्होंने ये सब करके दिखाया। अभी ड्रामा में रसम पहले से ही नुदी हुई है। जो ऐसे ऐसे आते हैं, पीछे ये बैठ करके कड़ा, ऐसा कड़ा योग करेंगे। देखो सन्यासियों में भी कड़ा है ना, उन सब आठ योगों से धरती में घुस जाना, उल्टा होकर के हाथों से चलना, फलाना फलाना करना, इन सब से जैनियों का जो है ना, सन्यासियों में बाल निकालना, ये तो बहुत गंदा काम है। क्या चाहे भाई हो और चाहे माताएं कन्याएं हो, जो भी जैन धर्म में सन्यासी बनते हैं तो क्या करते हैं? जहां कहीं भी उनके बाल होंगे, उन बालों को जबरदस्ती एक एक करके उखाड़ देते हैं। ये बोलते हैं, ये तो सहन करना है ना, यानी भगवान से मिलने के लिए कुछ सहन भी तो करना पड़ता है ना। तो देखो ये सहन कराते हैं। क्या सहन कराते हैं? कि बाल उखाड़ दो तो तुम क्या बन जावेंगे? देवता जैसे बन जावेंगे, निर्विकारी। अभी तुमको कोई सहन करने की बात कुछ थोड़े ही है, है? सहन करने की बात है, एक एक बाल उखाड़ने में तो कितनी तकलीफ होती है। और ये जो बाल होते हैं, उन बालों में खून होता है? होता है? खून तो होता नहीं। और बाबा क्या करते हैं? याद के पुरुषार्थ से तुम्हारे ऐसे बाल जिनमें काले काले संकल्पों का कोई भी खून नहीं है,
काले हों या गोरे हों सफेद हों वो सब बाल निकल जाते हैं, स्वतः ही निकल जाते हैं। जैसे गीता में कहा है, योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय। हे ज्ञान धन को जीतने वाले, तू क्या कर, योग युक्त हो जा। योग युक्त हो जाने से न तेरा पाप कर्म बनेगा और न पुण्य कर्म बनेगा, न सफेद बाल रहेंगे और न काले बाल रहेंगे। फिर गंदे और अच्छे संकल्प चलेंगे हैं? नहीं चलेंगे। तो यहां देखो, ऐसे स्थूल में बाल एक एक करके उखाड़ने की बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग में एक रसम चली आई है। बच्चे कहेंगे ये भी ड्रामा है, और फिर भी ऐसे ही सन्यासी आते रहेंगे जो उल्टा पुल्टा सिखाते रहेंगे। तो पास्ट में बच्चों ने जो कुछ भी सुना या भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हुआ, ये मुसलमान आए, ये औरंगजेब आया, ये फलाने फलाने आए, नादर शाह आया, है? सम्राट के किले के सामने चांदनी चौक में खून की नदियां बहा दी। अगले कल्प में ये फिर ऐसे ही होंगे। और शूटिंग कहां होती है? ये औरंगजेब आया, अमृतसर में गोली चलाई, बंदरों के अंदर कुछ नस्ल चलाई, ऐसे ऐसे कर करके। मालूम है तुम बच्चों को, हिस्ट्री में सुना है, फिर ये सब होगा। ये कांग्रेस का, ये फलानों का, हूबहू जो कुछ ड्रामा में होता है, भले ये तुम्हारा साक्षात्कार है, चाहे बुद्धि का साक्षात्कार है, चाहे बंद आंखों का साक्षात्कार है। अच्छा, तुम बच्ची बैठ करके भोग लगाती हो, तो ड्रामा में जो जो भी है, भोग वगैरह जो भी ड्रामा में है, सो ही होता रहता है। साक्षी होकर के एक्ट में आना होता है, और फिर इस एक्ट को देखना भी होता है। वो जो ड्रामा होता है, शूट करके फिर साक्षी होकर के अपना ही खेल देखते हैं। यहां नहीं, यहां खेल भी देखना है, साक्षी होकर के भी देखना है। और ये खेल फिर है सबसे वंडरफुल। अच्छा, ओम शांति।